सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 5 T20 मैच की श्रृंखला चल रही है, जहां पर पहले T20 मैच में इंडिया ने जीत दर्ज करके 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। और अब बारी है दूसरे T20 मुकाबले की। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आखिरकार दूसरे T20 मुकाबले में दोनों ही टीमें क्या क्या चेंजेस करने वाली है, दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, पूरा विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज बता दी जाए, दूसरा T20 मुकाबला कल यानी कि 26 जनवरी 2020 संडे को खेला जाएगा, जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 बजे दोपहर के 12:30 बजे चालू होने वाला है। और यह मुकाबला भी ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा। तो वापस से वही बात आ जाती है कि ईडन पार्क स्टेडियम बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको अच्छे रन पड़ते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो भारतीय टीम मेनली दो चेंजेस कर सकती है। पहला चेंज हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह नवदीप सैनी को अंदर लाया जाए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अच्छे खासे रन खा गए थे और मे बी नवदीप सैनी के पास भी अच्छा खासा पेस है। तो हो सकता है भाई कि ज्यादा पेस से अगर वो बॉलिंग करें तो बॉल आराम से छोटे स्टेडियम में बाहर जा सकती है। सो मे बी ये चेंज हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है। दूसरे चेंज की बात करें तो वो हो सकता है भाई कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल। भाई दोनों ने कुछ गलत नहीं करा है, इंडियन टीम दोनों को साथ में खिला नहीं रही है, तो मे बी कुलदीप यादव वापस से अंदर आ तो मे बी युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव अंदर आ सकते हैं। दोनों का मतलब है ना ऑन एंड ऑफ चलने ही वाला है। और मे बी एक तीसरा चेंज हो सकता है मिडिल ऑर्डर में, जहां पर अभी मनीष पांडे की जगह मौका मिल सकता है संजू सैमसन को या फिर ऋषभ पंत को। इन तीनों में से कोई भी नंबर 5 पे बैटिंग कर सकता है। और साथ ही में उधर बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम शायद तक एक चेंज कर सकती है, वो हो सकता है स्कॉट कोगली, जिनको लेके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो। इनके मिडिल ऑर्डर की बात करें तो 3 पे आपको केन विलियमसन खेलते हुए दिख जाएंगे, 4 पे इनके विकेट कीपर टीम साइफर्ट खेलेंगे, 5 पे रॉस टेलर और 6 पे कॉलिन ग्रैंडहोम खेल सकते हैं। यहां पर इनके मिडिल ऑर्डर में ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो आपको 7 पे खेलते हुए दिख जाएंगे मिचेल सैंडनर, 8 पे स्कॉट कुगली जिनकी एंट्री हो सकती है, 9 पे इस सोडी, 10 पे टिम साउदी और 11 पर ब्ले टिकनर या हमीश बेनेट, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल, ये फिक्स है। इसके बाद बात करें तो 3 पे विराट कोहली खेल सकते हैं, 4 पे मे बी श्रेयस अय्यर और 5 पे ऋषभ पंत, संजू सैमसन और मनीष पांडे तीनों में से किसी एक को मौका मिलने वाला है और 6 पे शिवम दुबे खेलने वाले हैं। लोअर ऑर्डर की बात करें तो 7 पर आपको रविंद्र जाडेजा खेलते हुए दिख जाएंगे, 8 पे शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से कोई एक, 9 पे कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल में से कोई एक, 10 पे मोहम्मद शमी और 11 पर जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। सो ये हो सकती है इंडिया की प्लेइंग 11। और आपको अभी ही बता रहा हूं, अगर इंडिया की पहले बैटिंग गई तो मे बी शिवम दुबे को 3 पे या 4 पे प्रमोट किया जा सकता है। सो मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी, मैंने आपको पूरी डिटेल वीडियो दे दी कि दूसरा T20 कप कहां कैसे खेला जाएगा और साथ ही में दोनों टीमें क्या चेंजेस कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।